माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई? वो दीदी को देखने आए थे और मुझे पसंद कर लिया। लड़की क्या कोई सामान होती है जो ये नहीं पसंद आई तो दूसरी पसंद कर ली? आखिर मेरी बहन में क्या कमी है? सर्वगुण संपन्न है मेरी बहन, और वो मेरी बहन के रंग रूप पर उंगली उठा रहे है, अपने बेटे को दिखा है। रिद्धि अपनी माँ सुनीला जी से कहती है तो रिद्धि की दादी देवयानी जी बोली, अरे बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बिना मेहनत के तुम्हारे लिए लड़का मिल गया। कोई बात नहीं, अगर नीलम की शादी अभी नहीं हो रही है तो अगले साल हो जाएगी। हम उसके लिए लड़का फिर से ढूंढ लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर रिद्धि बोली, दादी कैसी बातें कर रही हो? जब कोई लड़का किसी लड़की को देखने आता है तो लड़की के मन में भी कहीं ना कहीं उसके लिए भावनाएं होती है। जिस लड़के के इंतजार में आज सुबह से मेरी बहन तैयार हो रही है, उस लड़के ने मुझे पसंद किया और मैं उससे शादी कर लूं, ये मुझसे नहीं होगा। फिर सुनीला जी बोली, बेटा तुम्हारी बहन को कोई एतराज नहीं, फिर तुम क्यों इतना सोच रही हो? रिद्धि बोली, मम्मी मेरी बहन तो है ही सीधी, पर कमी तो उस लड़के में है जिसका मन काला है। वो मेरी बहन के मन को क्या समझेगा? अरे जिस घर में लोगों के मन में रंग रूप को लेकर ऐसी मानसिकता हो, उस घर में मैं क्या दीदी को भी नहीं जाने दूंगी। अब रिद्धि के पिता शंकर नाथ जी बोले, मेरी बेटिया मुझ पर बोझ नहीं, जो तुम दोनों सास बहू मिलकर इन्हें समझा रही हो। सही तो कह रही है रिद्धि, ये मेरा घर है, कोई बाजार नहीं। जो लोग यहाँ रंग रूप देख कर मेरी बेटियों को पसंद करेंगे। किस्मत तो लड़के वालों की खराब है जो अपने बेटे का दाम बोल करने लगते हैं। तभी नीलम आई और बोली, रिद्धि लड़का अच्छी नौकरी करता है, अगर तुम चाहो तो शादी कर सकती हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तो रिद्धि बोली, दीदी कैसी बातें कर रही है? जिस लड़के ने मेरी बहन को ठुकराया, मैं उसे अपनाऊंगी? कभी नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। फिर पापा लड़का ढूंढने नहीं जाएंगे, लड़के वाले खुद पापा के पास मेरा हाथ मांगने आएंगे। ये लड़का अगर दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर रिद्धि चली गई। करीब एक हफ्ते बाद लड़के वालों का फोन आया और लड़की की माँ बोली, भाई साहब आपने विवाह के विषय में क्या सोचा है? फिर शंकरनाथ जी बोले, माफ कीजिएगा, आपके घर हम अपनी कोई भी लड़की नहीं देना चाहती। अब लड़की की माँ को ये बात बुरी लगी और वो भला बुरा कहने लगी। तभी रिद्धि ने फोन लिया और बोली, मैं लड़की हूँ, कोई शोरूम की साड़ी नहीं कि बड़ी बहन पसंद नहीं आई तो छोटी बहन से शादी करवा दो। आपका लड़का होगा बाजार में रखा हुआ सामान, हम अपने माँ बाप पर बोझ नहीं है, आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा। और उसने फोन रख दिया। फिर देवयानी जी बोली, बेटा शंकर, लड़की के ऐसे तेवर अच्छे नहीं होते, अगर ये बात समाज में फैल गई तो कोई भी लड़के का रिश्ता हमारे घर पर नहीं आएगा। फिर शंकरनाथ जी बोले, माँ भरोसा रखो, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। इतना कहकर वो भी चले गए। दादी का शक सही निकला, लड़के वालों ने ये बात बहुत जगह फैला दी, पर उसका अच्छा परिणाम भी निकला। इधर रिद्धि ने अपनी सिविल सर्विस की परीक्षा समाप्त की, उसे भरोसा था कि कुछ अच्छा परिणाम ही निकलेगा। करीब एक हफ्ते बाद शंकर नाथ जी को प्रकाश बाबू का फोन आया और उन्होंने कहा कि हम आपकी बेटी के रिश्ते की बात करना चाहते हैं, तो क्या हम आपसे मिल सकते हैं? अब शंकर नाथ जी ने उनकी बात स्वीकार कर उनको अपने घर आने को कहा और उनका स्वागत किया। अगले हफ्ते प्रकाश बाबू, जिन्हें नीलम के बारे में कहीं से पता चला था, वो घर पर आए। उन्होंने सारी बात बताई, फिर बोले, आपने जिस तरह से लड़के वाले को मना किया, ये बात सुनकर हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा कि मन की बात साफ साफ करने वाले के बच्चे का मन भी साफ होगा। फिर शंकरनाथ जी बोले, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी पहले करूंगा, फिर छोटी बेटी की शादी करूंगा। प्रकाश बाबू ने कहा, जी बिल्कुल, हम आपकी बड़ी बेटी के लिए ही अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। मेरा बेटा सरकारी बैंक में ऑफिसर है, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस हम इसलिए आए
कि आपका परिवार खुले विचारों का है, हमें ऐसा ही परिवार चाहिए। दोनों में बातचीत हुई, नीलम को भी लड़का पसंद था तो रिश्ता तय किया गया। सब बात कर रहे थे तभी रिद्धि बाहर से दौड़ती हुई आई और पिता के गले लगकर बोली, पापा मैंने सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। शंकरनाथ जी ने अपनी बेटी को शाबाशी दी तो देवयानी जी बोली, रिद्धि आसपास देख लिया करो, घर में मेहमान आए हैं, कोई लड़की ऐसे चिल्लाकर बात करती है। अब रिद्धि ने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया और बोली, माफी चाहूंगी अंकल, इतनी बड़ी खुशी थी कि आवाज धीमी नहीं कर पाई। फिर प्रकाश बाबू बोले, अच्छा तो तुम हो छोटी बिटिया, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी होशियारी और हाजिर जवाबी की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए। अब जिसकी छोटी बहन इतनी समझदार है तो बड़ी बहन की समझदारी की कल्पना भी नहीं कर सकते, चलिए रिश्ता हमें मंजूर है। तभी प्रकाश बाबू की पत्नी कोमल बोली, काश कि मेरा एक और बेटा होता तो मैं आपके घर की दोनों लक्ष्मी को अपने घर ले जाती हूँ, पर कोई बात नहीं, हमें आपकी बड़ी बेटी नीलम बहुत पसंद है। नीलम ये सुनकर शर्माई और अंदर चली गई। कुछ देर बाद मेहमान भी चले गए और घर में खुशी का दोहरा माहौल छा गया। शंकरनाथ जी अपनी माँ से बोले, देखा माँ मैंने क्या कहा था, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, देखो आपकी दोनों पोतिया का भविष्य उज्जवल हो गया, एक के हाथों में मेहंदी लगेगी और दूसरी के कंधे पर सितारे सजाएंगे, इससे ज्यादा एक पिता को और क्या चाहिए। नीलम और रिद्धि दोनों पिता के गले लगे। वक्त बीता और नीलम की शादी हुई। लड़के वालों ने बहुत बड़ा रिसेप्शन रखा, नीलम का पूरा परिवार था वहां, वो परिवार भी था जिसने नीलम के लिए इनकार किया था। हर कोई नीलम की शालीनता को देखकर तारीफ कर रहा था तो वो मुंह बना रहे थे। तभी रिद्धि उनके पास जाकर बोली, आंटी जी रंग रूप पर टिप्पणी करने वालों के घर में अब कोई भी अपनी लड़की नहीं देता, ऐसा ना हो कि आपका लड़का कुवारा ही रह जाए। उस दिन उस महिला मेहमान को नीलम को देखकर अपने बेटे के लिए अफसोस हो रहा था, आज सुनीला और देवयानी जी को अपनी दोनों बेटियों पर फक्र हो रहा था। उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी सोच कहीं ना कहीं गलत थी, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, अगर बेटियों को काबिल बनाया जाए तो लड़के वाले सामने से रिश्ता लेकर आते हैं और माँ बाप को सम्मानित करते हैं। दोस्तों बेटी को बोझ ना समझे, क्या हुआ अगर बेटी का रंग थोड़ा कम है, अब जैसे माँ बाप रहेंगे वैसे ही तो बच्चे होंगे, जब हमारे माता पिता ने अंतर नहीं किया तो हम दूसरे परिवारों को अपने बच्चों में अंतर क्यों करने दे। बेटी को शिक्षित बनाइए, उन्हें पैरों पर खड़ा करें ताकि सामने से हाथ जोड़कर हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता मांगने आए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।